हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन लाइफ। आज हम करने जा रहे हैं एक स्टाइलस के अनबॉक्सिंग, जो कि मैंने अमेजन से ऑर्डर किया था। आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ उस लिंक से खरीद भी सकते हैं। आज मैं आपको बता देता हूँ कि ये किसके लिए है और इसके अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं। तो ये मेनली प्रोडक्ट उन लोगों के लिए है जो आजकल ऑनलाइन कोरोना के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, और उसके बाद आप वाइट बोर्ड पर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत बार फिंगर्स का यूज़ करते हैं और फिंगर से आप उतना अच्छा पढ़ा नहीं पाते हैं जितना आपकी कैपेसिटी होती है। और ये उनके लिए भी है जो स्टूडेंट्स जो कुछ लिखना चाहते हैं वाइट बोर्ड पर, क्लास के समय लिखना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी है। तो ये आपका है टग्जर का मैजिकल स्टाइलस, जो कि सबके साथ कंफर्टेबल है, विंडोज़ हो चाहे एंड्रॉयड हो चाहे एप्पल हो। और इसके पीछे कुछ इसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। इस पे प्राइस 999 लिखा है, लेकिन मैंने इसको 450 में परचेज़ किया है। आप भी इसको परचेज़ कर सकते हैं नीचे दिए हुए लिंक पे। यहाँ पे कुछ इसकी हाईलाइट मेन हाईलाइट्स हैं, जो कि मैं आपको बता ही दूंगा। जैसे हम इसको खोलते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के कवर में स्टाइलस रखा हुआ मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है। और इस डिब्बे में आपको कुछ फीडबैक का ये मिलता है, जो कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेन इस पे आते हैं, स्टाइलस पे। तो जैसे हम स्टाइलस को निकालते हैं तो हमको सिर्फ स्टाइलस मिलता है, और ये कागज़ का जो होल्डर आता है अनबॉक्सिंग के लिए वो मिलता है। तो अगर मैं इसको फर्स्ट इम्प्रेशंस अपने बताऊं, तो ये बहुत ही कूल है। पहले एकदम स्टर्डी है, हैवी है, मतलब जैसे असली पेन का वेट होता है उतना ही है। तो यहाँ पे हमको मैग्नेटिक कवर मिलता है, जैसे पेन का कैप होता है मैग्नेटिक, हमको वो मिलता है। और यहाँ पे आपको इसकी टिप मिल जाती है, जैसे कि मैं आपको फोकस करके दिखा पा रहा हूँ, ये आपकी टिप होती है जहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। और आप इसको यूज़ करने के बाद आप इसको ढक सकते हैं। और आपको पीछे यहाँ पे इसको आप खोलेंगे, तो यहाँ खोलने के बाद आपको एक एक्स्ट्रा टिप भी मिल जाएगी। अगर मान लीजिए कि ये वाली अभी ख़राब हो गई है, तो जो पीछे लगी हुई है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको दिखाते हैं कि वाइट बोर्ड पर लिखने के बाद कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो हमारे पास ये वाइट बोर्ड मेरे टैब के स्क्रीन पे आ चुका है, तो मैंने यहाँ वाइट बोर्ड और अपना कलर सेलेक्ट कर लिया, और ये हमारा स्टाइलस। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ लिखता हूँ, ओ इट्स वेरी स्मूथ। मैं सच बता रहा हूँ गाइस, ये सच में बहुत स्मूथ है। जितने भी लोग देख रहे हैं, ये बहुत स्मूथ है। ऐसी फील दे रहा है कि आप सच में आप किसी पेपर पेन पे लिख रहे हैं, ऐसी फील दे रहा है, मतलब क्या ही बताऊँ। और सच में मतलब ऐसी फील आपको कहीं नहीं मिलेगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको ऐसा नहीं है कि मेरी आपको हैंडराइटिंग आपकी बेकार हो जाएगी, क्योंकि ये एक्चुअली आपको लगता है कि आप असली वाले पेन या पेंसिल से लिख रहे हैं। तो ये था मेरा रिव्यू। और इसके टिप भी बहुत ही मजबूत है, कि अगर आपसे गिर भी जाता है या प्रेशर बहुत लगाते हैं, तो इतनी जल्दी तो ख़राब नहीं होने वाला है। तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। और सच में मतलब इतना स्मूथ तो आज तक मैंने किसी स्टाइलस को यूज़ किया नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ सच में लाइक कीजिएगा, अपने टीचर्स और फ्रेंड के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने भाई के साथ शेयर कीजिए जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना कैपेसिटी बढ़ा पाएँ और ऑनलाइन में सबको अच्छा पढ़ा पाएँ या नोट्स ले सकें। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट भी करके चले जाना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।